नमस्कार, मेरा नाम निधि शर्मा है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल सेक्टर 53 से हूँ। मेरा नाम विभा शर्मा है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनीमाजरा टाउन चंडीगढ़ से। आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं सिमेट्री के बारे में एक्टिविटीज़ के थ्रू। सबसे पहले लीनियर सिमेट्री में हम अलग अलग तरीके की शेप्स काट लेंगे, जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है और पैरेललोग्राम है। तो इन्हीं पेपर्स को हम फोल्ड करके ये देखेंगे कि इनमें से हम कितनी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि इसमें दिखा रखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री है केवल एक, रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री है दो, इसके बाद में इक्विलेटरल ट्राइंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी तीन, और स्क्वायर के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है चार, पैरेललोग्राम की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, और लास्ट में सर्कल के लिए हम कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं रोटेशनल सिमेट्री एक्सप्लेन करूंगी। रोटेशनल सिमेट्री में हम अपनी ज्योमेट्रिकल शेप को एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट करके देखेंगे कि कितने बार सेम पोजीशन पे हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर आती है। तो स्क्वायर के केस में जब हम इसे रोटेट करते हैं तो ये एक बार, दो बार, तीन बार और फिर चार बार, यानी स्क्वायर का रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है फोर। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगल को करें तो रेक्टेंगल के केस में ये एक बार और फिर ये दो बार, यानी दो बार ही रोटेट करने के बाद 180 डिग्री के अराउंड ये वापस अपनी पोजीशन पे आया रेक्टेंगल। इसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर हम रोटेट करें तो ये एक बार, दो बार और फिर तीन बार, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है तीन। इसी तरह रोम्बस में दो, हेक्सागन में छः, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो, पैरेललोग्राम में दो और क्रॉस जो कि एक ज्योमेट्रिकल शेप ही है उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फोर है। आइए अब हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए भी सिमेट्री का यूज़ करते हैं। हम अलग अलग तरीके के रंगोली डिज़ाइंस भी इस सिमेट्री का यूज़ करके बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने पेपर को अलग अलग पैटर्न में फोल्ड किया हुआ है और फोल्ड करके इन पे डिफरेंट कट्स लगाए हैं, और इससे करके हमने सुंदर से रंगोली डिज़ाइंस हम बना सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बना करके दिखा रखा है। एक ये है, एक ये है, और तीसरा भी इसी तरीके से। थैंक यू।